Oh, light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't want get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. You look into my eyes and fell a feeling. And nothing got a dream like a sweet night. Hey, come on, closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry up. वेलकम बैक टू माई चैनल श्वेता लाइफ स्टाइल। सो आज मैं हूँ इंदौर में। वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि मैं रहने वाली सूरत की हूँ, बट मैं वन डे के ट्रिप के लिए इंदौर आई हुई थी। तो आज जा रही हूँ मैं रजवाड़ा मार्केट, जो कि काफ़ी फेमस है वुमेंस वियर एंड लेडीज़ वियर के लिए स्ट्रीट शॉप है। एंड आप लोग तो जानते ही हो कि मैं हर जगह का मार्केट, लोकल मार्केट एक्सप्लोर करती ही रहती हूँ। तो सोचा कि इंदौर आए हैं तो एक मार्केट टूर तो यहाँ का बनता ही है। So let's go and let's explore Rajwada Market of Indore and देखते हैं कि क्या क्या है and क्या variety है, क्या price range है। Let's go and let's explore it. Assembly fine, 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Assembly fine, 너와 함께 했었던 시간이 길었어. तो ये मैं पहुंच गई हूँ अभी राजवाड़ा मार्केट। एंड अगेन आई एम सेइंग कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो प्लीज़ स्टे एट होम एंड स्टे सेफ एट होम। तो चलिए फिलहाल मैं तो कराती हूँ आपको टूर। एंड ये पूरी काफ़ी लंबी रोड है जिस पर लाइन से पूरी मार्केट लगी हुई है, आप पीछे में देख सकते हो। स्टेशन से 1.5-2 किलोमीटर ही है एंड काफ़ी फेमस जगह है। तो आप किसी भी ऑटो टैक्सी वाले को बोलोगे तो वो आपको यहाँ तक इजीली ड्रॉप कर देगा। कोई टेंशन नहीं है, आप इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हो। ऑटो वाले ने हमें राजवाड़ा पैलेस के सामने उतार दिया एंड वहाँ उतरते ही पूरे स्ट्रीट पे मार्केट लगा हुआ था। लाइक ये ठेले पे एक्सेसरीज वगैरह एंड प्राइसिंग वॉज रियली वेरी गुड। 40 रुपीज़, 50 रुपीज़ में है। बैंड क्लिप्स वगैरह भी 30 रुपीज़, स्क्रंचीज़ वगैरह 30-40 रुपीज़ में। तो अगेन वेरी रीजनेबल एंड अफोर्डेबल एंड क्वालिटी जैसा कि आप स्ट्रीट मार्केट में हर जगह आपको मिलती है। एंड ये बेसिकली स्टार्टिंग में मुझे जहाँ पे ऑटो वाले ने उतारा था वहाँ पे किड्स वेयर का कलेक्शन था। एंड मुझे पता चला कि यहाँ पे अलग अलग स्पेसिफाई किए हुए हैं, लाइक सराफा बाजार है जहाँ पे गोल्ड की एंड सिल्वर की ज्वेलरीज मिलती हैं, आप एक्सचेंज कर सकते हो। किड्स वेयर के लिए अलग एक रोड है एंड अलग एक मार्केट। एंड मैं मेनली एक्सप्लोर करने आई थी वुमेंस वेयर, तो पूछने पे पता चला कि यहाँ पे आपको सारा किड्स कलेक्शन ही मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा क्लोथ मार्केट में। तो मैंने पूछा कहाँ पे है, तो बस इससे हार्डली 500 मीटर की दूरी पे क्लोथ मार्केट स्टार्ट हो जाता है। तो मैं पहुँची फाइनली क्लोथ मार्केट में एंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट है फ्रेंड। आप एक दिन में अगर चाहोगे तो कवर बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। एंड मैं सराफा बाज़ार होते हुए क्लोथ मार्केट पहुंची थी। तो यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी हैं, मैक्सिमम यहाँ पे रियल गोल्ड एंड सिल्वर की ज्वेलरीज के शॉप्स हैं जहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर की ज्वेलरीज मिलती हैं, आप एक्सचेंज कर सकते हो, ले सकते हो, बनवा सकते हो। एंड सराफा बाज़ार में ही मुझे कुछ ये स्ट्रीट वेंडर मिले जो कि आर्टिफिशियल ज्वेलरीज लेके बैठे थे एंड प्राइस अगेन वेरी रीजनेबल एंड वेरी चीप। 100 रुपीज़, 150 रुपीज़ में नेकलेस, बैंगल्स, ईयरिंग्स एंड ऑल बेंटेक्स के जितने भी गोल्डन आइटम्स होते हैं वो सारे इनके पास थे। एंड बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल कलेक्शन था, आप देख सकते हो बैंगल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश एंड यूनिक से मुझे दिखे। 250 का पेयर एंड नेक पीस एंड चोकर वगैरह भी पूछा तो 150 रुपीज़ में चोकर सेट के साथ 200 में, अगेन वेरी अफोर्डेबल प्राइस राइट। एंड यस, यहाँ पे ऑक्सीडाइज एंड फंकी ज्वेलरीज मुझे नहीं मिली देखने के लिए, मे बी वो दूसरे स्ट्रीट या दूसरे साइड पे हो भी। यहाँ पे सारा का सारा कलेक्शन ट्रेडिशनल एंड एथनिक में था एंड काफ़ी ब्यूटीफुल एंड अच्छा था कहा जाए तो। नाउ मैं पहुँच गई क्लोथ मार्केट में राजवाड़ा के। एंड अगर आपको भी शादी के लिए शॉपिंग करनी है तो यहाँ पे एक बार विजिट तो बनता ही है, बिकॉज द कलेक्शन वॉज रियली वेरी ब्यूटिफुल एंड जो वर्क किया हुआ था दैट वॉज ऑल्सो वेरी वेरी रिच। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि बहुत सस्ता एंड चीप वर्क किया हुआ है। क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड, प्राइस इज़ ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल एंड गुड। गाउन्स वगैरह के प्राइस थोड़े से हैवी हैं, लाइक 4000-5000 में, लेकिन आपको बहुत ही वर्थ लगेगा। लहंगे का प्राइस जस्ट स्टार्ट होता है 2000-2500 से। हैवी वर्क लहंगे आपको 2500 में मिल रहे थे, क्या चाहिए आपको फ्रेंड्स। एंड जो
ब्रोकेड वर्क है या बनारसी वर्क वाले लहंगे हैं वो 1500 से स्टार्टिंग थे। तो आई एम रियली वेरी इंप्रेस्ड विद दिस मार्केट, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब 4,500 के रेंज में ना ब्राइडल लहंगा आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, इतना अच्छा वर्क वो प्रोवाइड कर रहे थे। एंड आपको भी पता होगा कि इंदौर को छोटा मुंबई कहा जाता है, तो बॉम्बे के बाद यहाँ पे नेक्स्ट फैशन आ ही जाता है, तो आई थिंक उसका बहुत बड़ा प्रभाव है, इसलिए मार्केट काफ़ी सस्ता लगा। तो मुझे बेसिकली बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। प्राइस वाइज देखा जाए एंड क्वालिटी वाइज देखा जाए, आई विल गिव इट 5 स्टार। एवरीथिंग इज सो परफेक्ट एंड सो गुड हेयर। मीन्स फिनिशिंग वाइज देखा जाए, आपको डिजाइनिंग वाइज देखा जाए, क्वालिटी वाइज देखा जाए, एवरीथिंग इज सो गुड। एक से एक बढ़कर एंड सुंदर सुंदर साड़ियाँ, नेट की साड़ी, जॉर्जेट, पॉली जॉर्जेट, आपको ब्रोकेड की साड़ियाँ, शिफॉन की, सारी तरह की साड़ियाँ मिल जाएंगी। 200 से ले के 20,000 तक की साड़ियाँ इन्होंने बताया कि यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एंड शादियों के लिए तो बेस्ट है, जो कलेक्शन मैंने देखा शॉप में मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड होलसेल भी है, रिटेल भी है, तो आप यहाँ पे थोक भाव में भी परचेस कर सकते हो, एंड चाहे तो आप एक साड़ी परचेस करो। एंड एक मार्केट में आके आपको सब कुछ मिल जाएगा, लाइक एक अगर दुल्हन के लिए परचेस करना है, दूल्हा के लिए परचेस करना है, तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल है। यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइक आपको दूल्हे के लिए शेरवानी, कुर्ता पजामा चाहिए वो भी इस मार्केट में मिल जाएगा, एक से एक सुंदर एंड अच्छा। एंड दुल्हन के लिए तो आप कलेक्शन यहाँ पे देख ही रहे हो कि क्या ब्यूटीफुल कलेक्शन है, मेहंदी के लिए, हल्दी के लिए, दुल्हन की बहन के लिए, दुल्हन की भाभी के लिए, तो आप हर किसी के लिए यहाँ पे आके शॉप कर सकते हो। आई जस्ट रियली लव इट। दिस रोड इज़ नोन एज शीतला माता बाजार, एंड यहाँ पे सारा वुमेन ट्रेडिशनल एथनिक वेयर कलेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इंडो वेस्टर्न में चाहिए, आपको लहंगा चाहिए, साड़ी चाहिए, ड्रेस मटेरियल चाहिए, सूट्स पीस चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। एंड बहुत सारी अंदर अंदर में गलियाँ हैं, शॉप्स हैं, तो आपको हर वैरायटी, हर रेंज में सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप डेफिनेटली एक जगह पे आके हर चीज़ बाय कर सकते हो। एंड कलेक्शन आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक दिस कराची वर्क सूट पीस, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड फैब्रिक वॉज सो सॉफ्ट एंड स्मूथ, प्योर शिफॉन का दुपट्टा था। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 600 में पूरा ये पीस दे रहे थे, लाइक सलवार का मटेरियल भी, ड्रेस का भी, एंड दुपट्टा पूरा वर्क किया हुआ, तो बहुत ज़्यादा वर्थ लग रहा था। एंड विदाउट एनी बार्गेन इन्होंने मुझे ये कॉस्ट बताया। मैंने बोला कि मैं जस्ट देख रही हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं हम प्राइस कर देते हैं, आप 550 दे दो। सो आप देख रहे हो 550 में पूरा फुल वर्क किया हुआ सूट पीस मिल रहा है यहाँ पे, एंड ऑल ब्रोकेड के वर्क के हुए, बनारसी वर्क के हुए, सारे के सारे बहुत ही अच्छे रेंज में अवेलेबल हैं, एंड होलसेल एंड रिटेल बोथ अगेन। तो आप देख पा रहे होगे, एंड जो मैं बता रही हूँ वो रियल प्राइस ही है जो यहाँ पे शॉपकीपर्स ने मुझे बताए थे। सो आई रियली लाइक दिस मार्केट अलॉट।
फ्रेंड, बहुत ही बड़ा मार्केट है, बहुत अच्छा कलेक्शन है यहाँ का। तो एक बार में कवर करना इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, मतलब आप जितना रोड में घूमते जा रही हो ना उतने ही बड़ा मार्केट है, तो बहुत टफ है एक बार में कवर करना। कलेक्शन इज रियली वेरी नाइस, प्राइस इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी रीजनेबल। आप डेफिनेटली यहाँ पे विजिट कर सकते हो, एंड ब्राइडल के लिए तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। 2000 के लहंगे आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कि 2000 के लहंगे हैं वो। साड़ियाँ वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है, तो मुझे अल्टीमेटली बहुत अच्छा मार्केट लगा। शायद ज्वेलरी के लिए अलग हो, बेसिकली मैं लहंगा साड़ीज के लिए आई थी देखने एंड एक्सप्लोर करने, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये मार्केट एक्सप्लोर करके। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड आई होप आपने भी वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।